बोले, मित्रों हम बचपन से श्यामलाल गुप्त जी की एक कविता सुनते रहे हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन सही मानों में इसको किसी ने चरितार्थ किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमारे भारत का तिरंगा पूरे शान से पूरे विश्व में लहरा रहा है, ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर विराजमान है। हम और आप सब उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मित्रों इसके बाद सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं माल्यार्पण के क्रम में आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मित्रों इसके बाद मैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री माननीय कलराज मिश्र जी का से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। उसके बाद में अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मित्रों इसके पश्चात मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, आदरणीय कलराज जी से, उपेंद्र शुक्ल जी से, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं राज्यसभा के वरिष्ठ जी, उनसे भी अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ देके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से, कलराज मिश्र जी से, आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी से, जयप्रकाश शाही और महेंद्र यादव, एक बड़ी माला जो आई है मैं अनुरोध करता हूं कि एक कि सारे लोग मिलकर एक बड़ी माला पहना के जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं स्वागत करें। अब मैं एक मिनट के अंदर तीन स्मृति चिन्ह हैं, मैं आदरणीय कलराज मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर, जो भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है वो देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वो स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय कलराज जी, इसके बाद मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद मैं अपने जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही जी से अनुरोध करता हूं कि वो मेरा सहयोग करें, एक स्मृति चिन्ह हम और आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। मित्रों अब मैं गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर हमारे माइक के समक्ष आए और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय योगी, भारत माता की। बंधुओं पहली बार आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री तथागत किस धरती पर आए हैं, मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का
जोरदार उद्घोष के साथ आप स्वागत करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन यात्रा के तथागत की इस भूमि पर पहुंचने पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जनपद कुशीनगर आगमन पर आयोजित इस सभा के माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी माननीय ओम माथुर जी, केंद्रीय मंत्रीगण आदरणीय कलराज मिश्र जी, माननीय मनोज सिन्हा जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, जनपद कुशीनगर और देवरिया के गांव गांव से उपस्थित नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन भूमि पर आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आजादी के बाद पहली बार जहां किसी भी प्रधानमंत्री का पहला आगमन इस जनपद में है, हम सब के लिए ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री पूर्वी भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की योजना को लेकर के आगे बढ़ा है। गोरखपुर के 26 वर्षों से बंद खाद कारखाने का शिलान्यास और यहां पर इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, मलेरिया तथा तमाम प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में होने वाली मौतों पर मौन रहने वाली सरकारों के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर में एम्स की स्थापना का शिलान्यास करके पूरे देश के अंदर बिना किसी जाति पाति मत मजहब का भेदभाव किए बगैर देश के अंदर प्रारंभ की गई विकास की और लोक कल्याण की तमाम प्रकार की योजनाओं को ध्यान में रखकर आज जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का तथागत की इस धरती पर आगमन हुआ है, एक बार पुनः हम सब पूर्वी उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। सज्जनों, हम सब जानते हैं पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर परिवर्तन की एक बहार दिखाई दे रही है। परिवर्तन यात्रा को मिलना पार जनसमर्थन और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक आह्वान पर देश की कोटि कोटि आम जनमानस के द्वारा जिस उत्साह के साथ देश के अंदर चंद लोगों के द्वारा मचाए जाए शोर की प्रवाह के बगैर अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है, वह आज इस जनसभा और इस रैली के माध्यम से भी स्पष्ट दिखाई देता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश कभी चीनी का कटोरा माना जाता था, लेकिन प्रदेश में सपा और बसपा के इन 14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को बंद कर दिया गया, बेच दिया गया। 31 चीनी मिलों से मैं 21 चीनी मिलें आज बंद पड़ी हुई हैं, जो 10 चीनी मिलें चल रही हैं,
अगर आपकी कृपा नहीं होती और आपने 6,000 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी होती तो यहाँ के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक नहीं हुआ होता। अब भी प्रदेश सरकार के संरक्षण में चलने वाली तमाम चीनी मिलों पर गरीब गन्ना किसानों का वर्षों वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान अभी भी बाकी है। यह परिवर्तन यात्रा के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यह चीनी उद्योग, गोरखपुर के खाद कारखाने के पुनरुद्धार के साथ साथ यहाँ के चीनी उद्योग के पुनरुद्धार की भी आस आपसे ही करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी से जनता को अब किसी भी प्रकार की कोई आस नहीं रही। और इसीलिए हम सब आपसे प्रार्थना करेंगे कि आपने देश के अंदर जिस प्रकार का तेजस्वी नेतृत्व दिया है, आज दुनिया भारत का सम्मान कर रही है, हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं जब हम दुनिया के अंदर भारत के माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान देखते हैं तो 125 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हम देखते हैं जब अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के वर्तमान राष्ट्रपति जो विजयी हुए हैं जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आखिर आपका आइकॉन कौन है तो उन्होंने कहा कि कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सचमुच पूरे भारत के अंदर 125 करोड़ की जनता इस दृश्य को देख करके कि जो अमेरिका दुनिया का दादा बनता था, दुनिया की सामरिक और आर्थिक ताकत थी, आज उस अमेरिका के अंदर भी चुनाव का मुद्दा कोई बनता है तो भारत का प्रधानमंत्री बनता है। भारत को आपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा आपके इस अभियान के साथ अपने आप को संबद्ध करता है। मैं एक बार पुनः पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का जो नया भोर आपने प्रारंभ किया है, पहली बार हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाओं को अपनी आंखों से देखा है और उन योजनाओं को क्रियान्वित होते हुए हम देख रहे हैं। आपने 22 जुलाई को गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया था, आज उसका निर्माण कार्य गोरखपुर में प्रारंभ हो चुका है। एम्स का आपने शिलान्यास किया, उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा करके जमीन आवंटन को लेकर के अभी भी उसमें बाधा पैदा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता जनार्दन विकास के कार्यों में बाधक ऐसे तत्वों को एक और उठा करके फेंकेगी, अवश्य फेंकेगी। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः तथागत की इस भूमि पर मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अपने अत्यंत लोकप्रिय और बहुत ही सरल और सहज अपने स्वभाव के लिए सुविख्यात आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कृष्ण प्रसाद मौर्य जी का आह्वान करता हूं कि आए और हम आपको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। इतनी धीरे से बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। पूर्वांचल की हर सीट पर कमल खिलाना है या माननीय प्रधानमंत्री जी को आपको विश्वास दिलाना है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक एक पल इस देश के गरीबों के लिए, इस प्रदेश के गरीबों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए समर्पित है, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं कुशीनगर जो भगवान तथागत बुद्ध की धरती है इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम नेता और केंद्र में मंत्री आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी, मंच पर विराजमान गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी,
इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजेश पांडे जी, मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, स्वतंत्र जी, आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, आदरणीय रामेश्वर चौरसिया जी, श्री पंकज सिंह जी, आदरणीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, आदरणीय रीता बहुड़ा जोशी जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सामने बैठे हुए मेरे पितातुल बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप सबके चरणों में नमन करके प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद इस बात के लिए मांगना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, इस देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए, इस देश को काले धन से मुक्त कराने के लिए जो नोटबंदी का फैसला किया है, यहां पर तालियों के गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का समर्थन, जोरदार तालियों के साथ इस फैसले का हम सब समर्थन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो गरीबों के लिए लिया है, जो निर्णय लिया है वो किसानों के लिए लिया है, जो निर्णय लिया है इस देश के नौजवानों के लिए लिया है, जिनके भविष्य को अंधकारमय बनाने का काम देश में कांग्रेस ने किया और प्रदेश में सपा और बसपा ने किया है। मैं आप सब लोगों से लंबी बात नहीं करूंगा, आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहता हूं। आप सबके सामने 2014 आप सब लोगों ने भूले नहीं होंगे, 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर 73 लोकसभा सीटों पे आपने कमल खिलाने का काम किया। सपा बसपा कांग्रेस को मालूम है कि 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर कमल खिलने जा रहा है, 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मित्रों, यह जो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है ये 2017 की नहीं लड़ रहा है, ये 2019 की लड़ाई लड़ रहा है। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार ना बने, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसे मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 300 से अधिक सीटों पर कमल खिलाइए और जब 2019 आवे इस विपक्ष को जवाब देने के लिए इस बार 73 नहीं 80 की 80 लोकसभा सीटों पे उत्तर प्रदेश से कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति, विश्व की सामरिक महाशक्ति, भारत को गरीबी से मुक्त, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए मैं आप सब को यह अपील करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने 14 वर्षों से बर्बादी करने का काम किया है। देश के सबसे नाकाम मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोने वाली बहन मायावती जी, इन दोनों लोगों से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 का नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत देश, आपने भारत को कांग्रेस से मुक्त कर दिया। लेकिन 2017 का नारा है सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। 2017 में सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, इसे उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में साइकिल पंचर नहीं करना है मित्रों, साइकिल के टुकड़े टुकड़े करके उसे सैफई भेज देने का काम करना है। जिस हाथी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाया, जो बहन मायावती जी ने पिछड़ों के, दलितों के और गरीबों के वोट बेच करके अपने हाथी को खिलाया और उनका हाथी बहुत मोटा हो गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के बाद वो हाथी जो बहुत मोटा हो गया था भैंस के बच्चे से भी छोटा हो गया, इसलिए बहन जी बिलबिला रही हैं, बहन जी चिल्ला रही हैं, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी है तो नहीं होने दिया जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं तो गरीब का हक नहीं लूटने दिया जाएगा। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए समर्पित है। मैं आप सबसे अपील करके आज यहां पर जाना चाहूंगा, 2017 या 2019 हमारा सबका सौभाग्य है, इसे मैं अपील करके कह करके जाना चाहूंगा, विश्वास करो तुम मोदी पर, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसे माननीय मोदी जी के समर्थन में, माननीय मोदी जी के साथ हम सब खड़े हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे गरीब आदमी हो, सबके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे, पूरे पुलिस तंत्र का दुरुपयोग किया। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं
और अखिलेश यादव जी कान खोल करके सुन लो, आपने फर्जी मुकदमे लिख करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को फंसाया होगा, आम जनता को सताया होगा। जब भाजपा की सरकार बनेगी और असली मुकदमे लिखे जाएंगे तो आधी समाजवादी पार्टी जेल के अंदर नजर आएगी। इसलिए बहुत गलत कर लिया, बहुत अत्याचार कर लिया, बहुत कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर लिया। अब आपके जाने की बारी है, आपके विदाई की तैयारी है। आप माननीय मोदी जी के किसी फैसले पर सवाल उठाते हो, अरे अखिलेश यादव जी तुम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हो, तुम्हारे राज्य में अपराधी पुलिस से नहीं डरते, पुलिस अपराधियों से डरती है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए। बहुजन समाजवादी पार्टी को आपने 2014 में ही विदा कर दिया है, अब सपा बसपा यूपी को नहीं चाहिए, अब उत्तर प्रदेश को जातिवाद नहीं चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में विकासवाद चाहिए। मैं विश्वास के साथ यहां पर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में नंबर एक बनेगा। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप विश्वास रखिए, भारत अगर विश्व में नंबर एक बनेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में भी नंबर एक जरूर बनेगा। इसी विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पे तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उन सबका भी बहुत स्वागत करता हूँ। सामने बैठे हुए सभी एक एक नौजवान कार्यकर्ताओं, यह आपकी परीक्षा है। 2014 हम चुनाव जीते हैं नौजवानों, तो आपके बल पर जीते, 2017 जीतेंगे तो आपके बल पर जीतेंगे, और 2019 में सभी 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे तो आपके बल पर जीतेंगे। बड़ों का आशीर्वाद लेकर के कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगाइए, यह जवानी इस देश के काम आनी चाहिए, आपकी प्रतिभा इस देश के काम आनी चाहिए, इस प्रदेश के काम आनी चाहिए, गरीबों के काम आनी चाहिए, मेरी माताओं बहनों के काम आनी चाहिए। यही अपील करता हुआ आप सबको बारंबार नमन करता हुआ अपनी बात पूरी करता, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नोटबंदी से आप सब लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं? जरा एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर के एक मिनट ताली की गड़गड़ाहट के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन करिए, बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चाणक्य महान ने एक बहुत शिक्षाप्रद बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब अपने ही देश का अहित करने वाले अपराधी, जमाखोर, कालाबाजारी और उनका सहयोग करने वाले लोग हाहाकार करने लगे और अनर्गल प्रलाप करने लगे तो यह समझ जाना चाहिए कि देश का नेता सही दिशा में, देश हित में सही काम कर रहा है और देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मित्रों, अब मैं केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हमारे विभावक आदरणीय कलराज मिश्र जी का आह्वान करता हूं कि वो आए हमको और आपको संबोधित करें। आदरणीय माननीय कलराज मिश्र जी, इस महारैली में आए हुए भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के गौरव को दुनिया भर में बढ़ाया है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय श्री मनोज जी, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, विधायक जन्मेजय सिंह जी, गंगा सिंह कुशवाहा जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापत त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र शुक्ल जी, श्रीमती रीता बहुना जी, मंचस हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह जी, सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए सभी किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। कुशीनगर के पवित्र धरती पर, जहां महात्मा बुद्ध और 24वें तीर्थंकर जैन महावीर स्वामी इनका निर्वाण हुआ था, ऐसी धरती पर आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। हम सब लोग ताली बजा कर उनका जबरदस्त अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। हमारी माताएं बहनें इतनी विशाल संख्या में आई हुई हैं,
अभी जब नोटों का 500 और 1000 रुपए नोट का बंदी हुई विमुद्रीकरण किया गया, उसमें कुछ लोगों ने जब यहां के माताओं से पूछा खेत में काम कर रही कि मोदी जी ने जो नोट बंदी की है इससे आपको क्या लगा है, तो उन्होंने कहा भाई हम तो मजदूरी कर रहे थे, हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, हम वही पैसा पाएंगे। ये तो बड़े बड़े लोगों के ऊपर इसका आघात हुआ है, बड़े बड़े लोग इसके लिए परेशान हैं, इसलिए मोदी जी के बारे में उस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसी माताओं को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोदी जी कितने संवेदनशील हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि जब तक पूर्वांचल का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, और उन्होंने सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान दिया। पूर्वांचल की धरती पर पहले आप इसी महीने के अंदर पहले गाजीपुर में आए और आज यहां कुशीनगर में पधारे हैं, इसे मैं कह सकता हूं मोदी जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में, पूर्वांचल के बारे में कितने संवेदनशील हैं, इसका कैसे विकास हो इसके लिए लगातार चिंतित रहते हैं, यह इस बात को दर्शाता है। यह गन्ना का कटोरा माना जाता है, इसके बारे में आदरणीय श्री योगी जी ने बताया, स्वयं मोदी जी इसको अच्छी तरह जानते हैं, लाखों किसान गन्ना पर आधारित रहते हैं, इसे इस संबंध में राज्य सरकार की जो नीति है उस नीति के कारण किसान तबाह हो रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में जिस ढंग से मोदी जी ने काम करना शुरू किया है, आम आदमी का विश्वास इनके प्रति बढ़ा है, और उस विश्वास को हम और आगे बढ़ाते जाएं, यही आप सबों से मैं अपील करता हूं। आज के दिन जो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, मैं इसलिए इसका वर्णन कर रहा हूं कि उज्ज्वला योजना के अंदर यह जनपद पूरे देश भर में तीसरा स्थान रखता है, 1,16,000 लोगों को उज्ज्वला योजना के द्वारा मुफ्त में कनेक्शन प्राप्त हुआ है। मुद्रा योजना में, उज्ज्वला योजना में, जनधन खाता योजना के अंतर्गत आम जनता ने खुल करके भागीदारी की है, इसलिए जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सुदृढ़ हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री का कुशीनगर के इस विशाल सभा के अंतर्गत मैं आप लोगों के सहित बार बार उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और इतनी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि मैं अपने यशस्वी, ईमानदार, पारदर्शी, जनहित हिताय सोच रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपको संबोधित करने के बुलाऊं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक आधे 30 सेकंड की। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच पर हैं और आपका सांसद उनसे कुछ मांग नहीं रहा है, तो मित्रों, हमारे बुजुर्गों ने मुझे एक बात सिखाई थी कि जब देने वाले की क्षमता मांगने वाले से कई गुना अधिक हो तो मांगना बुद्धिमानी नहीं होती है, उनके आशीर्वाद का इंतजार करना चाहिए। अब मैं अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आपका आह्वान करता हूं कि वो आए और हम सबको आशीर्वचन से अभिसिंचित करें। मोदी 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 मोदी। सभी लोग खड़े होकर के अपने स्थान पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की ई पवित्र भूमि के प्रणाम करत बानी, सब काम धाम खेती बाड़ी जोतनी बोवनी छोड़ के रउआ लोगन लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां आयल बीड़ी
ये देख के हमारा मन गदगद हो गईल बा। आप लोगन के भी प्रधान सेवक का नमस्कार, ये भगवान बुद्ध का धरती है, भगवान महावीर का ये धरती है। भारत सहित पूरी दुनिया के यह धरती शांति अहिंसा के उपदेश दिहलस। अस्तेर और क्रांति एवं योग का उन्नायक शिवावतारी महायोगी गोरखनाथ यही क्षेत्र के अपने तपस्या के लिए चुनल। महान संत कबीर यही क्षेत्र में चिर शांति पवला। यह भूमि पर दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र का जन्म भइल। गणराज्यन के ई पवित्र भूमि से प्रदेश में परिवर्तन का हुंकार फूंकले के अब समय आ गइला बा। रउवा लोग अब प्रदेश के विकास खातिर भी गौठी बांधी के तैयार हो जाई। मंच पर विराजमान श्रीमान ओम जी, प्रदेश के उत्साही लोकप्रिय नौजवान अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी, श्री मनोज सिन्हा जी, अनुप्रिया पटेल जी, सांसद श्रीमान आदित्यनाथ जी, रीता बहुगुणा जी, श्रीमान रमापति जी, रामेश्वर जी, सूर्य प्रताप जी, उपेंद्र शुक्ला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे यहां के सांसद श्रीमान राजेश पांडे जी, श्रीमान कामेश्वर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, संतोष सिंह जी, जन्मेजय सिंह जी, दारा सिंह जी, विजय दुबे जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, जयप्रकाश जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, जयप्रकाश निषाद जी, भाई पंकज सिंह, महेंद्र यादव जी, श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी, रविंद्र कुशवाहा जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे एक बार फिर आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। 2014 के चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में जाने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उस समय मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, यहां कुशीनगर में भी आया था, लेकिन उस समय सभा में इससे आधे लोग भी नहीं आते थे। और माताएं बहनें तो कभी नहीं आती थी। आज इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं, इतनी बड़ी विशाल जनसभा
मुझे आशीर्वाद देने आई है। माताएं बहनें भाइयों बहनों, मैं आप सबको सर झुकाकर नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और आपने मुझ पर जो ये विश्वास जताया है, आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से कभी मैं चोट नहीं पहुंचने दूंगा, आंच नहीं आने दूंगा। भाइयों बहनों, हम सालों से सुनकर के आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर भारत में गांव, गरीब, किसान, उसके जीवन में अगर हमने बदलाव लाया होता तो हिंदुस्तान को आज जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, ये मुसीबतें कभी झेलनी नहीं पड़ती। ये हमारा गांव ताकतवर होता, हमारा किसान ताकतवर होता, तो वो हिंदुस्तान की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ होता। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जो दिल्ली में सरकार बैठी है, ये सरकार पूरी तरह गरीबों को समर्पित है, ये सरकार गांव को समर्पित है, ये सरकार किसानों को समर्पित है, ये सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सभी हमारे समाज के लोगों को समर्पित है, उनका कल्याण करना चाहो। भाइयों बहनों, यहां गन्ना का किसान कैसी कैसी परेशानियों से गुजरा है ये कौन नहीं जानता है। चीनी मिले यहां के जीवन के लिए चुनौती बन गई, और राजेश जी कह रहे थे अगर देने वाला मजबूत है तो मांगने की जरूरत क्या है। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही के जैसा हूं, ये जमाना चला गया जब सरकार में बैठे हुए लोग ये मानते थे कि वो देने वाले बन गए हैं। हम तो सेवक हैं, सेवक आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। आपका कष्ट हमारा कष्ट है, आपकी कठिनाइयों को दूर करना ये हमारी जिम्मेवारी है, सेवा भाव से करना हमारी जिम्मेवारी है। भाइयों बहनों, अगर देने वाला कोई है तो देशवासी है। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन देने वाली होती है, और आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, मैं तो कर्ज चुकाने आया हूं। भाइयों बहनों, कर्ज चुकाने आया। 2014-15 में गन्ना किसानों का बकाया 22,000 करोड़ रुपया था। भाइयों बहनों, 22,000 करोड़, और लोगों को ऐसी आदत हो गई थी कि भाई इसके बिना ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इसी से गुजारा कर लो। लोग नाराजगी भी व्यक्त नहीं करते थे, सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते रहते थे। चीनी मालिकों को कह रहे थे कि जरा भुगतान कर दो। लखनऊ में सरकार को परवाह नहीं होती थी, उसको तो लगता था कि चुनाव आएंगे, कुछ इधर उधर का बांट देंगे तो गाड़ी चल जाएगी। लोग सहने के आदि हो गए थे। जब
जब दिल्ली में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुझे इतना बड़ा सेवा का अवसर दिया। हमने तय किया कि गन्ना किसानों की चिंता करेंगे। भाइयों बहनों, 2014-15 के 22,000 करोड़ बकाया था, अब शायद मुश्किल से उंगली से गिन सके इतना बचा होगा। बाकी सारी बातें किसान के घर तक पहुंचा दी। मेरे पास चीनी वाले आए थे, वो कह रहे थे साहब दाम कम हो गया है, चीनी का कारखाना चलाना मुश्किल हो गया है, हमें पैकेज दे दो। मैंने कहा पैकेज लेने की आपकी आदत पुरानी है, लेकिन मोदी नया है। मुझे ये पुरानी आदत आती नहीं है। तो पहली मीटिंग में मैंने कहा जो मांगो देने को तैयार हूं, तो बड़े खुश होकर के गए। फिर मैंने धीरे से अफसरों को भेजा और मैंने कहा कि जरा मुझे सूची दो, कौन कौन गन्ने किसान का कितना पैसा बकाया है उसकी जरा सूची दो। तो चीनी मिल के लोग जरा कांपने लग गए। फिर दोबारा मिलने आए, मैंने कहा पैकेज मिलेगा लेकिन कारखाने के मालिक को नहीं मिलेगा, हमें सूची दे दो। गन्ना किसान का जो बकाया है सीधा सीधा उसके बैंक अकाउंट में जमा करेंगे, आपको बीच में नहीं आने देंगे। तो वो कहने लगे नहीं नहीं साहब पैकेज नहीं चाहिए। यहां तक कहने लग गए पैकेज नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, सरकार ने फैसला किया गन्ना किसानों का बकाया है उसका पैकेज चीनी मालिकों को नहीं दिया जाएगा, गन्ना किसानों के खाते में जमा होगा। और जिन जिन लोगों ने बैंक का खाता खुलवाया उसका तुरंत फायदा उनको मिल गया, उनके खाते में सीधा पैसा जमा हो गया, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आया। भाइयों बहनों, चीनी मिले चले, गन्ना किसान को उसकी मेहनत का पैसा मिले, इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश है। लेकिन इसके लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। हमने कदम उठाया कि जब चीनी का दाम कम हो जाता है दुनिया में तो चीनी मिले बंद हो जाती हैं। चीनी मिले बंद हो जाए तो गन्ना किसान का गन्ना कोई खरीदता नहीं है, और खरीदता है तो 3-4 महीने के बाद खरीदता है, और तब उसका वजन कम हो जाता है। वजन कम हो जाता है तो किसान तो घाटे में ही चला जाता है, ये खेल चलता रहता है, और बेचारा किसान चुपचाप सहन करता रहता है। हमने तय किया अगर दुनिया में चीनी का दाम इधर उधर हो गया तो हम हिंदुस्तान के चीनी के कारखाने में चीनी नहीं बनाएंगे तो इथेनॉल बनाएंगे। इथेनॉल बना करके पेट्रोल डीजल की जगह पर उसको उपयोग करेंगे, गाड़ी चलाने के लिए उसको जलाएंगे, लेकिन किसान का गन्ना नहीं जलने देंगे। और चीनी मिलों को इथेनॉल बनाने के लिए मजबूर किया। जिनके पास प्लांट नहीं थे उनको कहा है प्लांट लगाओ, चीनी का दाम गिर जाता है तो चीनी मत बनाओ इथेनॉल बनाओ, और पेट्रोल की जगह पर इथेनॉल उपयोग करो, डीजल की जगह पर इथेनॉल उपयोग करो, लेकिन गन्ने के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। ये काम हमने करके दिखाया। भाइयों बहनों, 100 करोड़ लीटर अब तक का हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि भारत ने 100 करोड़ लीटर इथेनॉल बना करके गाड़ियों में उसका उपयोग किया। उसके कारण जो विदेशों से तेल लाना पड़ता है उसमें हम कुछ बचत कर पाए।
इधर गन्ना के किसान को भुगतान कर पाए। भाइयों बहनों, समस्याएं आती है लेकिन समस्याओं के रास्ते भी खोजे जा सकते हैं। ये सरकार ऐसी है जो समस्याओं को भी सामना करने के लिए हर पल तैयार रहती है, जनता जनार्दन के साथ खड़े रह करके चलती है। भाइयों बहनों, मैं हमेशा कहता हूं उत्तर प्रदेश का भला तब तक नहीं होगा जब तक उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश उसका विकास नहीं होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए और विकास करने के लिए रेल का काम हो, रोड का काम हो, इसके लिए भारत सरकार अरबों खरबों रुपए लगा रही है। हमारे मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री दिन रात लगे हुए हैं कि रेल में विकास उत्तर प्रदेश में कैसे हो, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे लाभ मिले। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई बीमार हो जाए तो कहां जाए, कब पहुंचे, अच्छी अस्पताल नहीं। भारत सरकार ने निर्णय किया गोरखपुर के अंदर एम्स का अस्पताल लगा देंगे और उस पूरे इलाके के भाग्य को बदलने के लिए, उनको आरोग्य की सुरक्षा देने के लिए हम काम करेंगे। फर्टिलाइजर का कारखाना उसको चालू करने का हमने निर्णय किया। एक जमाना था भैया, बहुत बहुत प्यार का, आपका प्यार सर आंखों पर, भैया आपका प्यार सर आंखों पर, अब जगह है नहीं, कोई आगे आ नहीं पाओगे भैया, अब ये जन सैलाब उमट पड़ा है। भाइयों बहनों, हमने देखा है हमारे किसान को जब यूरिया चाहिए यूरिया, किसान को रात रात यूरिया लेने के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था, हड्डियां पिघल जाए ऐसी ठंड में रात रात कतार में खड़े रहना पड़ता था। लेकिन देश में कभी किसी को इसकी पीड़ा नहीं होती थी। और जब यूरिया लेने जाता था पुलिस आकर के लाठी चार्ज करती थी, किसान को यूरिया नहीं मिलता था। मेरे भाइयों बहनों, एक साल हो गया, आपने देखा होगा कहीं पर यूरिया के लिए रात को कतार नहीं लगानी पड़ती, कहीं पर यूरिया के लिए पुलिस को लाठी नहीं चलानी पड़ती। ये कैसे हुआ, ये जादू कैसे आया? भाइयों बहनों, रातों रात कोई यूरिया का कारखाना तो नहीं लग गया था, लेकिन क्यों नहीं मिलता था यूरिया? यूरिया की पैदावार नहीं थी क्या? यूरिया की पैदावार थी, यूरिया के कारखाने चलते थे, किसान को सब्सिडी भी मिलती थी, लेकिन यूरिया किसान के खेत में नहीं जाता था, केमिकल के कारखाने में चोर रास्ते से चला जाता था और केमिकल वालों को सस्ते में यूरिया मिल जाता था, उसमें से वो अपनी और चीजें बना करके बाजार में बेचते थे। फर्टिलाइजर फसल के लिए हुआ करता था, फर्टिलाइजर यूरिया ये उद्योगपतियों की भलाई के लिए उपयोग में आता था। हमने आकर के उसकी दवाई की, बड़ा अच्छा उपाय ढूंढ निकाला। हमने कहा हम यूरिया का नीम कोटिंग कर देंगे, जो नीम का पेड़ होता है
नीम की जो फली होती है उसका तेल यूरिया पर लगा देंगे, उससे जो धरती माता है उसको भी अच्छा खुराक मिल जाएगा। और एक बार यूरिया पर नीम कोटिंग हो गया तो किसी भी केमिकल के लिए वो यूरिया बेकार हो गया, और इसलिए अब 100 ग्राम यूरिया भी केमिकल के कारखाने में नहीं जाता है। जितना यूरिया पैदा होता है किसान के खेत में जाता है। बताइए भाइयों बहनों, चोरी बंद हुई कि नहीं हुई? बेईमानी बंद हुई कि नहीं हुई? काला बाजारी बंद हुई कि नहीं हुई? किसान को यूरिया मिला कि नहीं मिला? भाइयों बहनों, क्या इसका ज्ञान पहले नहीं था? क्या पहले की सरकारों को भी इसका ज्ञान था? कागज पे सब लिखा हुआ है, लेकिन किसान से ज्यादा उनको कारखाने वालों की चिंता थी, और इसलिए कभी उन्होंने यूरिया की इस प्रकार से चिंता नहीं की। हमने 100% यूरिया नीम कोटिंग कर दिया, उसके कारण आज किसान को यूरिया मिल रहा है। भाइयों बहनों, हमने किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया। आज आप देखते होंगे जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, पेशाब की जांच करवाने के लिए डॉक्टर कहता है, उसका जब तक रिपोर्ट नहीं आता है डॉक्टर दवाई नहीं देता है। वो कहता है पहले पैथोलॉजिकल जांच करवा के लाइए, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लाइए, यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट लाइए, उसके बाद वो दवाई करता है। भाइयों बहनों, जैसा शरीर का स्वभाव है वैसा ही ये हमारी धरती माता का भी है। धरती माता में भी बीमारियां होती हैं, धरती माता में भी ताकत होती है, अच्छाइयां होती है, और इसलिए जैसे हमारे शरीर में ब्लड की जांच हो सकती है, हमारे खून की जांच हो सकती है, हमारे पेशाब की जांच हो सकती है, वैसे ये धरती मां के अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, किस कमियां हैं, उसकी जांच हो सकती है। और इसलिए हमने ये धरती मां की जांच करने की लेबोरेटरी बनाना, अपनी जमीन खेत की जमीन का टेस्टिंग करवाना, और फिर रिपोर्ट आती है कि आपके जमीन में ये दवाई डालनी चाहिए, ये नहीं डालनी चाहिए, ये खाद डालना चाहिए, ये खाद नहीं डालना चाहिए, ये फसल उगानी चाहिए, ये फसल नहीं उगानी चाहिए, और उसके कारण किसान के जो पैसे बर्बाद होते थे। वरना किसान क्या करता था, अगर पड़ोसी ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो ये भी लाल डिब्बे वाली दवाई डाल देता था, पड़ोसी ने काले डिब्बे वाला पाउडर डाल दिया तो ये भी काले डिब्बे वाला डाल देता था, और उसके कारण किसान को बहुत नुकसान होता था। भाइयों बहनों, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड लगा करके किसान को उसकी धरती माता की रक्षा कैसे हो, उस धरती माता में से ज्यादा उपज कैसे मिले, उसके लिए रास्ता खोल दिया, और जो आने वाले दिनों में भाइयों बहनों किसान का भला करने वाला। भाइयों बहनों, हमारा किसान कितनी ही मेहनत करे, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, पानी में बह जाती है, किसान बर्बाद हो जाता है। अधिक बारिश आ जाए तो भी किसान दुखी, कम बारिश आ जाए तो भी किसान दुखी, नदियों में ज्यादा पानी आ जाए तो भी किसान दुखी, ज्यादा फसल हो जाए तो भी किसान दुखी, कम फसल हो जाए तो भी दुखी। इस किसान की रक्षा कैसे करेंगे भाइयों बहनों? और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उसमें किसान को बहुत कम पैसा देना है, बहुत कम देना है। भारत सरकार पैसे देगी और आपकी फसल को कोई भी प्राकृतिक नुकसान होगा तो उस किसान को बीमा योजना से पूरा का पूरा पैसा मिलेगा भाई। इतना ही नहीं, आपने तय किया हो कि जून महीने में बुआई करनी है लेकिन बारिश नहीं आई, आपने सोचा जुलाई में करेंगे फिर भी बारिश नहीं आई, आपने सोचा अगस्त में करेंगे फिर भी बारिश नहीं आई, पानी नहीं आया तो बुआई कहां करोगे और बुआई नहीं की तो फसल कहां होगी और फसल नहीं होगी तो फसल बर्बाद भी कैसे होगी। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा, जिसकी बुआई नहीं हुई उसको तो फसल नहीं आनी, तो फसल बीमा लगना नहीं है। पहली बार देश में दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, इसने ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण अगर बुआई नहीं हुई तो भी उसका हिसाब लगाकर उसको मिनिमम बीमा का पैसा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, कभी हमारा किसान अच्छी फसल हो, खुशी मना रहा हो, खेत में फसल काट करके खलिहान में बड़ा ढेर किया है अपनी किसानी पैदावार का, अब वो इंतजार कर रहा है कि कोई ट्रैक्टर मिल जाए और ट्रैक्टर में सामान रख करके बाजार में मंडी में जाकर के बेच करके आ जाऊंगा। अब उसको ट्रैक्टर आने में देर हो गई, दो चार दिन, पांच दिन, ट्रक आने में देर हो गई, मंडी सामान पहुंचाने में मुश्किल हो गया और अचानक बारिश आ गई, सारी फसल तैयार है, खेत में ढेर पड़ा है, फसल का बीमा कहां से मिलेगा क्योंकि सब पूरा हो गया था। यह दिल्ली में ऐसी सरकार है जो किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा में योजना बनाई कि फसल की कटाई के बाद जो फसल का ढेर है अगर 15 दिन के भीतर भीतर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और किसान का नुकसान हो गया तो उसका बीमा भी मिलेगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए भाइयों, बुआई से लेकर के कटाई तक हर परिस्थिति में बीमा देने की ताकत ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार लेकर के आई है। लेकिन मैं दिल्ली की सरकार को कहना चाहता हूं, अगर अब झगड़े शांत हो गए हो, आपके पास समय हो, यहां के गरीबों की चिंता करने की फुर्सत हो, किसानों की चिंता करने की फुर्सत हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश में लागू करवाएं, यहां के किसानों को जरा लाभ मिले। खर्चा दिल्ली सरकार करने को तैयार है, काम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करे, मुझे नहीं लगता है कर पाएंगे। उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है भाइयों, समस्याओं का समाधान करने में इंटरेस्ट नहीं है। भाइयों बहनों, आप बताइए, यहां की हमारी गंडक नहर कितनी लंबी गंडक नहर है लेकिन उसके तलहटी में सारा मिट्टी भरी पड़ी है और उसके कारण पानी की संग्रह क्षमता कम हो गई है और कैनाल के आखिर में पानी पहुंचता ही नहीं है। पानी दिखता है फिर भी किसान का खेत सूखा है। भाइयों बहनों, हम कह कह करके थक गए इन सरकारों को, उत्तर प्रदेश सरकार को कह कह करके थक गए कि मनरेगा के पैसे हम दे रहे हैं, अब मनरेगा से इस गंडक की नहर जो है उसको जरा मिट्टी निकलवाइए ताकि पानी मेरे किसानों को पहुंचे, उनको ये करने की भी फुर्सत नहीं। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या ये कूड़ा कचरा निकालना वो कोई राजनीति है क्या? राजनीति है क्या? ये कूड़ा कचरा निकालोगे तो किसान का भला होगा कि नहीं होगा? अगर नहर साफ होगी तो किसान का भला होगा कि नहीं होगा?
लेकिन भाइयों बहनों ये ऐसे राजनीतिक प्रकृति के लोग हैं को उनको कूड़ा कचरा निकालना ही नहीं है, उनको सब जगह पे कूड़े कचरे में ही मजा आता है। अभी पिछले दिनों हमने एक निर्णय किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ 500 और 1000 की नोट बंद कर दी। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? ये काले धन ने बर्बादी लाई है कि नहीं लाई है? ये देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इस देश को काले धन से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? किसी ने तो कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? भाइयों बहनों, बीमारी के कारण जब बीमारी दूर करने के लिए दवाइयां देते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? आज मैं देश का आभार व्यक्त करने आया हूं, भगवान बुद्ध की इस धरती से मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यही तो महापुरुष थे जिन्होंने हमें संयम का मार्ग सिखाया है, यही तो महापुरुष है, यही तो महात्मा गांधी की धरती है जिसने हमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सिखाया है। भाइयों बहनों, दूसरों का लूट करके जमा करने वाले लोग क्या कभी किसी का भला करेंगे? हक का पैसा हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन लूट का पैसा मिलना चाहिए क्या? ये सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार ने 8 तारीख को निर्णय किया है और मैंने देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। पहले दिन मैंने कहा है कि तकलीफ होगी, जो बड़े बड़े हैं उनको बड़ी बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी तकलीफ तो होगी। मेरे भाइयों बहनों, ये देश की जनता को मैं नमन करता हूं, ये लोकतंत्र की ताकत देखिए। कल चीन के अखबारों ने लिखा है कि लोकतंत्र में कोई ऐसा फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अरे उन्हें मालूम नहीं है भारत की जनता की रग रग में ऐसा लोकतंत्र है जो औरों की भलाई सोचता है, अपनी भलाई बाद में सोचता है, और इसलिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण ऐसा कठोर फैसला करने का साहस होता है। मैं इस बात से सहमत हूं। मैंने पहले दिन से कहा है कि निर्णय सरल नहीं है, उसको लागू करना भी सरल नहीं है। 8 तारीख को ही मैंने कहा था कि 50 दान तकलीफ रहने वाली है। अभी तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 20 दिन हुआ है, अभी 30 दिन बाकी है। सरकार पूरी तरह आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगी हुई है और देशवासियों ने तकलीफ झेल करके भी मेरा साथ दिया है, इसके लिए मैं देशवासियों का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, ये बात सही है। लोग ऐसा समझाते हैं कि हमारे पास नोटे नहीं है तो हम क्या करें। भाइयों बहनों, आप लोग अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या किसी स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? नहीं गए थे ना? आ गया कि नहीं आ गया? आपको मोबाइल फोन रिचार्ज कैसे करना आ गया कि नहीं आ गया? कितने पैसे भरना, कैसे भरना, कहां भरना, सब आया कि नहीं आया? कोई सिखाने आया था? नहीं आया था। भाइयों बहनों, आप व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप
यूं यूं करते चला जाता है। कोई सिखाने आया था, कोई पढ़ाने आया था, किसी स्कूल में सीखने गए थे, आपको आया कि नहीं आया? आज भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजी इतनी सरल है कि यहां आप लोग फोटो निकालते हैं और यहीं से अपने दोस्तों को फोटो भेज रहे हैं। भेज रहे हो ना? मैं देख रहा हूं सब लोग फोटो निकाल रहे हैं। भेज रहे हो ना? जितनी आसानी से आप अपने मोबाइल फोन से फोटो भेज सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो, अपने मोबाइल फोन का अकाउंट रिचार्ज करा सकते हो, उतनी ही आसानी से बैंक में अगर आपका खाता है, बैंक में अगर आपका पैसा है, तो आप मोबाइल फोन से जो भी खरीदना हो खरीद सकते हो, जो भी लेना हो ले सकते हो। आज आपका मोबाइल फोन, ये आपका मोबाइल फोन यही आपके बैंक की ब्रांच बन गया है। आपके हथेली में आपकी अपनी बैंक बन गई है। पहले जेब में बटुआ रखना पड़ता था और बटुए में पैसे रखने पड़ते थे। अब जमाना चला गया, बटुए की जरूरत नहीं, आप मोबाइल फोन में ही पैसे होते हैं। दुकानदार के पास जाइए और उसको बताइए कि भाई बताइए, मेरे पास ये बैंक का ऐप है, मैं आपके यहां से 20 रुपये का सामान लेना चाहता हूं, मैं मोबाइल फोन से पैसे दूंगा। वो कहेगा हाँ हाँ दे दीजिए, तुरंत उसके मोबाइल में एक सेकंड में पैसा चला जाएगा, आपको 20 रुपये का माल मिलेगा। भाइयों बहनों, आज हमारे देश में आधे से अधिक लोग जो रेलवे में जाते हैं वो खुद जाकर के पैसे देकर के टिकट नहीं लेते, ऑनलाइन टिकट लेते हैं। उनके पैसे वापस आते हैं तो ऑनलाइन आ जाते हैं। भाइयों बहनों, आज आपने अखबार में एक इश्तहार देखा होगा, एक एडवर्टाइजमेंट आज आपने अखबार में देखा होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह पढ़ें और इसका कटिंग करके हर दुकान पर लगा दे, अखबार से निकाल करके सब लोग इतना काम जरूर करें। और इसमें किस प्रकार से अपने मोबाइल का खाता खोला जाता है उसकी सारी विधि बताई गई है। आपके पैसे आपके हैं, बिना नोट के भी आप इसका खर्च कर सकते हो। भाइयों बहनों, ये नोटों का उपयोग काले धन वाले संग्रह करना चाहते हैं। हम काले धन वालों को सफल होने देना नहीं चाहते हैं, हम भ्रष्टाचारियों को सफल होने देना नहीं चाहते। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आगे के भी उनके रास्ते बंद कर दें। आज के अंग्रेजी अखबारों में भी इसका एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ है, आज के हिंदी अखबारों में भी ये इश्तहार छपा हुआ है। मेरा आप सबसे आग्रह है, और यहां जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो अखबार से कटिंग निकाल करके हर दुकान के बाहर एक बोर्ड पे लगा दें, और ऐसे इश्तहार रोज आते जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐप है, सरकार की ऐप है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर उस ऐप को डाउनलोड करना है, आपके गांव के मोहल्ले के व्यापारी को डाउनलोड करना है, सीधा आपका पैसा बैंक से चला जाएगा। जो सामान खरीद सकते हैं खरीद सकते हैं, एक रुपये के बिना कोई काम अटकने वाला नहीं है। यह व्यवस्था मौजूद है भाई, और इसलिए मुझे आपसे मदद चाहिए। मेरी विशेष पढ़े लिखे नौजवानों से आग्रह है, सरकारी मुलाजिमों से आग्रह है कि आप भी अपने अड़ोस पड़ोस में जिसके पास भी मोबाइल फोन है उसको जरा सिखाइए कि किस प्रकार से मोबाइल फोन से कारोबार किया जा सकता है। आप देखिए, ये जो सारी चर्चाएं हैं आप खुद उसको एक मिनट में बंद करवा सकते हैं। और देशवासियों ने सहयोग दिया है, हमारे पास रास्ते भी हैं, उस रास्तों पर चलेंगे, देश में कभी भ्रष्टाचार दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई, देश में दोबारा काला धन पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
देश में नोटे छाप छाप करके देर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नोटों के बंडल किसी को बिस्तर के नीचे छिपाने की नौबत नहीं आएगी। भाइयों बहनों, एक तरफ मैं भ्रष्टाचार का, भाइयों बहनों एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काला धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए ये फैसला मैंने लिया, 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। 70 साल तक लूटा है, किसान के खेत में पानी पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। भाइयों बहनों, ये जो कुछ भी निकलेगा, ये सारा का सारा गरीबों की भलाई के काम आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब हम लूटने नहीं देंगे देश को। और मुझे विश्वास है भाइयों, जिस देश में 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो, वहां पर काला धन का खात्मा संभव है, भ्रष्टाचार का खात्मा संभव है। भाइयों बहनों, देश अच्छे दिशा में जाने के लिए तैयार बैठा है और मुझे विश्वास है कि देश इस महायज्ञ में, ईमानदारी के महायज्ञ में देशवासियों को कष्ट झेल करके भी आहुति देते मैं देख रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में देश इस बात को स्वीकार करेगा कि फैसला कठोर था लेकिन भविष्य उज्जवल है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप गांव के हर दुकानदार को इन अखबार के माध्यम से कैसे मोबाइल पर उनकी बिजनेस लगाया जा सकता है सिखाइए। आप स्वयं कम से कम 10 परिवार 15 परिवार उनको सिखाइए, बिना पैसे सारा कारोबार चलाने की दिशा में सारी दुनिया चल पड़ी है, हम पीछे रह गए। भाइयों, हम पीछे रह गए, अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए, आप मेरी मदद करेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरी मदद करेंगे? आपके आशीर्वाद रहेंगे, ये परिवर्तन आके रहेगा, भ्रष्टाचार जाके रहेगा, काला धन जाएगा, भाइयों बहनों आपका भविष्य बन जाएगा। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। मित्रों, अब मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र दत्त शुक्ल जी को का आह्वान करता हूं कि आए और धन्यवाद ज्ञापन करें।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुशीनगर की इस तथागत की धरती पर यहाँ आ करके हम सबके बीच में जो समय दिया, हमारी इस विराट जनसभा को संबोधित किया। मैं कुशीनगर देवरिया गोरखपुर क्षेत्र के संपूर्ण कार्यकर्ताओं जनता जनार्दन के तरफ से उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके नेतृत्व में देश जिस ऊंचाई पर बढ़ रहा, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, पूर्वांचल उनके साथ है। पूर्वांचल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी। मैं आप सभी जनता जनार्दन के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर देवरिया जनपद के पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हुए मैं इस जनसभा के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।